और इसको भी देख लीजिए, ये लास्ट वीडियो में मैंने दिया था, पिछला वाला वीडियो जो था केतकी फूल, और इसके साथ ये गार्लिक वाइन हो रहा है विच इज वेरी ब्यूटीफुल। बंगाल में इसको बोलते हैं रोशुन लौता, गार्लिक वाइन। तो क्या है कि सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नहा धो लिया है, और नहाने के बाद मेरे पूरे ये बाल जो है भीगे हैं पूरे, इसलिए मैंने टाई अप नहीं किया है, बांधा नहीं हुआ है, थोड़ा इस तरह से बीच में मांग करके ऐसा छोटी साइड में करके ऐसा थोड़ा सा हेयर स्टाइल किया है। मुझे इस टाइप के हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड अभी गार्डनिंग का काम मैंने कंप्लीट किया है, और अभी जाऊंगी बर्ड्स के पास, उनका खाना आया है कल, बर्ड्स का खाना मैं दूंगी और उसके बाद निकलूंगी। सो दिस इज़ द अल्टीमेट इंटायर लुक ऑफ माय ओन मेड गार्डन। ये गार्डन मैंने अपने हाथों से खुद क्रिएट किया है, और मैं शुरू से ही, जो लोग 2019 से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने मेरी गार्डनिंग देखी है कई ज़्यादा। शुरू शुरू में तो मैं गार्डनिंग के ही वीडियोस डाला करती थी, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या करती हूँ, वेस्ट मटेरियल से गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ, ताकि हमारा पोल्यूशन जो है वो भी कंट्रोल में रहे और वेस्ट जो मटेरियल है वो भी काम पर आ जाएगा। तो ये पिटूनिया टावर है मेरा, अभी बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपको जो ये सब होल्स दिख रहे हैं ये नहीं दिखेंगे, ये पूरा फ्लावरिंग से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड सम ऑफ द ब्लूमिंग्स ऑफ पिटूनिया यहाँ पर है, ये क्रोटन है, ऑर्नामेंटल प्लांट, एंड दिस वन इज ऑर्नामेंटल पोटेटो वाइन। एंड अल्टीमेटली हियर आर माय बर्ड्स। तो ये सारे मेरे पेट बर्ड्स हैं, शताब्दी दीदी देखो, देखिए दीची, ये भी एक बहुत ही अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, शताब्दी स्वाल्ट करके इनका चैनल है, मैं देखती हूँ हमेशा, और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो उन्होंने कहा था कि बर्ड्स दिखाने के लिए, तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे पेट बर्ड्स हैं, ऑल द लवली वर्ल्ड्स आर चिरविंग। और इनके चिरपिंग की वजह से आप लोगों को भी वीडियो में बैकग्राउंड में कभी कभी नॉइज आता होगा इनका, क्योंकि ये रात में सोते हैं, लेकिन कभी अगर जग जाते हैं तो फिर इनका यही चलते रहता है। और वहां पे है छोटे बच्चे, द बेबी बर्ड्स। Drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. गाइस, मैंने इस खूबसूरत से प्लेस से जितना भी हो सके शॉपिंग कर ली है, भर भर के मैंने फूल के प्लांट्स लिए हैं, और फ्रूट्स मार्केट आ गई हूँ, फ्रूट्स लेने हैं मुझे, और एग्जॉटिक फ्रूट्स भी दिख रहे हैं कुछ, लाइक चाइनीज मिलन एंड ऑल, तो देखते हैं क्या क्या फ्रूट्स लेना है मुझे, मैं ले लेती हूँ। यह है, अभी घर वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ, चलो घर चलते हैं। और घर वापस आने के बाद मैंने कुछ डिसीशन लिया हुआ है लास्ट वेडनेसडे से, ये शेयर करूँ आपके साथ, उसके बाद ब्लॉग को एंड करना है, लंबा जा रहा है ब्लॉग बहुत ज़्यादा। तो मैंने लास्ट वेडनेसडे से ये डिसाइड किया है, पहले एक्चुअली मैं ना इतने दिनों तक मैंने कभी ये डाइट फॉलो करना, डाइट चार्ट मेंटेन करके खाना खाना ये सब किया हुआ नहीं था, ये कोई एक्सपीरियंस मुझे रहा नहीं था। हालांकि मैं स्वस्थ रहती हूँ, फिट एंड फाइन रहती हूँ हमेशा, मुझे कोई भी बीमारी नहीं होती है, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होती, हेल्थ इशू मेरा है ही नहीं बिल्कुल भी, थ्रू आउट द विंटर मैं सही रहती हूँ बिल्कुल, मुझे ना यहाँ पे कुछ खराश, ना कोई तबीयत खराब, कुछ ना सर में दर्द, ना बुखार आना, कुछ नहीं होता है साल भर, मैं बाय गॉड्स ग्रेस
सही रहती हूँ, ठीक है, टच फूड सही रहती हूँ मैं। लेकिन मुझे है ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है लाइफ में, और मैं आई लव टू टेक चैलेंजेस फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब कुछ नया करती हूँ जो मैंने पहले नहीं किया है, उसमें मैं कुछ सक्सेस अचीव करती हूँ। तो इसलिए मैंने डाइट करना स्टार्ट। सो गाइज, आई एम एंडिंग ऑन द ब्लॉग हियर, और ऑलवेज आप लोग खुश रहिए, बी पॉजिटिव एंड कीप द पॉजिटिविटी इनसाइड यू, लव योरसेल्फ। बाय बाय।